माननीय अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि वो शॉल अर्पण कर उन्हें सम्मानित करें। ये हमारी परंपरा रही है, जब भी हमारे यहाँ कोई नवोदित कलाकार इस मंच पर आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुश्री अनुपमा यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो। हाँ, और सरस्वती के साधक बेटे जो नाल तबला बैंजू पर शिरकत कर रहे हैं, मैं सभी को इतना स्पर्श कर वंदन करता हूँ। सब अपने आप में लाजवाब है, साउंड सिस्टम भी शानदार है, और कैमरे वाले जितने यूट्यूबर भाई आए हैं, मुकेश इंटरटेनमेंट हो या चाहे जितने लोग आए हैं, सबका स्वागत है इस पुण्या के इस धरती पर। आप सबका मैं मुकेश आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और इधर आ जाइए, ये देखिए पुण्या का संस्कार है यहाँ कि अंग वस्त्र देकर के एक एक भोजपुरी जगत की गायिका आप जैसे प्यार पा करके पुदीना से आपका जो पहचान बना, ले लो पुदीना जो धुन इन्होंने बजाया वो भी आम के सीजन में पुदीना हिट हुआ। ये आपका सौभाग्य है, लोगों का प्यार मिला। तब मैं इन बेटियों के लिए कहना चाहता हूँ, यदि आंगन में बेटी नहीं रहती है साहब तो आंगन सुनसान की तरह लगता है। तब मुकेश का स्वर आपके तक जुड़ना चाहता है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि बेटियां 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 भगवान की सबसे बड़ी वरदान है। बेटियां पुराने घर की खिड़कियों खोलती है, बेटियां भगवान की सबसे बड़ी वरदान है। बेटियां ही घर के पुराने खिड़कियों खोलती है, बेटियां हो जिस घर में घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम राम नाम ही रोशन किया है। मीरा बनकर जहां का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है, इंद्रिया बन के समूचे विश्व के आगे तनी है। ऐश्वर्य सौंदर्य को सारे जहां को जीत लाई, सानिया सिंधु साक्षी मलिक बन के खेल के मैदान में खेल खिलाई। सुर लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख होते हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। एक बार एक बेटी के सम्मान में ताली बजा दीजिए, एक प्यारा सा धुन बजा दीजिए भाई साहब, धुन बजाइए थोड़ा फास्ट, पुदीना वाला बजा आ जाना।